हॉस्पिटल की बात ले लें तो विशाल बिल्डिंग है, बड़ी मतलब अच्छी खासी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है कि कोई भी थोड़ा सा सीरियस पेशेंट चला जाए तो उसको तत्काल ग्वालियर रेफर किया जाता है। रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे प्रबल मुद्दा होना चाहिए सरकार को चुनने के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो यहाँ पर जितने भी युवा हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे पहले तो शिक्षा की प्राथमिक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ amarujala.com पर। जब हम वोट डालने जाते हैं तो उससे पहले हम ये सोचते हैं कि आज जिस स्थिति में हम हैं, वोट डालने के बाद अगले 5 साल उससे बेहतर स्थिति में हम पहुंचे। लेकिन जब से मैं छोटा था अब लेकिन बड़ा हूं, तो इन 20 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। और पैसा आता है चला जाता है, लेकिन बदलाव जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में बदलाव नहीं है। अब अपन जैसे हॉस्पिटल की बात ले लें तो विशाल बिल्डिंग है, बड़ी मतलब अच्छी खासी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है कि कोई भी थोड़ा सा सीरियस पेशेंट चला जाए तो उसको तत्काल ग्वालियर रेफर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में ही अपनी जान गवा देते हैं। और रही बात पढ़ाई पर, आप आ जाएँ शिक्षा पर, तो शिक्षा में यहाँ पर आदमी अगर चाहे वो केवल BA BSc इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और ले देगा कुछ बचता है तो LLB, इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो यहाँ मौजूद होकर आदमी उसको हासिल कर सके। जितनी भी इंजीनियरिंग डिग्रियाँ हैं वो सारी भिंड से बाहर हो रही हैं, ठीक है। PSc की तैयारी आदमी करना चाहे तो वो उस स्तर पर नहीं कर पा रहा, बाकी छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस में चला जाता है, लेकिन वो अपने मतलब मन जैसी PSc तैयारी नहीं कर पा रहा है। बीच में हमारे कलेक्टर साहब आए थे इलैया राजा टी, तो उन्होंने एक संकल्प कोचिंग स्टार्ट की थी जो मुफ्त में युवाओं को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रही थी, लेकिन आज के दौर में वो भी नहीं है। जो चूंकि क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान शिक्षा स्वास्थ्य इन पर है ही नहीं, उनका ध्यान जो है वो अपनी संपत्तियों को बढ़ाने में, ठीक है, बाकी जो है सो चल ही रहा है। अब ना वोट हम तो बदलाव से देंगे और नया चेहरा हमारे बीच नया विधायक चुनेंगे अपना, जो अभी राहुल सिंह कुशवाहा है। सबको देखा मैंने, 3 बार वोट डाला, हर विधायक को दिया, लेकिन जमीन पे कोई धरातल पे काम नहीं, विकास नहीं, शिक्षा की स्रोत नहीं, चाहे बच्चा पढ़ने के लिए कोई कॉलेज की यहाँ व्यवस्था नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, मूलभूत सुविधा। हम अगर इंटरवाल एग्रीकल्चर कराना चाहें तो हमारे यहाँ भिंड ग्वालियर में कोई कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर हर युवा चाहता है कि रोजगार और शिक्षा के ऊपर बात हो, पर नहीं हो पाती है बात, क्योंकि आप जिस जिले में खड़े हैं वो भिंड जिला है, ये शुरुआत से हाथी रहा है। हाथी से मेरा तात्पर्य है कि इसके दो दांत हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। खाने के दांत जहाँ आप खड़े हैं वो, और दिखाने के दांत है जो मालनपुर, मतलब किसी काम का नहीं है वो। तो हम ये चाहते हैं जितने भी अभी तक के जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुने गए हैं वो इसको हाथी ना बना के शेर बनाए, यहाँ का युवा यहीं पढ़े, यहीं रोजगार पाए और यहीं रहे। पर ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं है, तो हम चाहते हैं एज अ युवा होने के नाते हम चाहेंगे कि रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे प्रबल मुद्दा होना चाहिए सरकार को चुनने के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो यहाँ पर जितने भी युवा हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे पहले तो शिक्षा की प्राथमिक व्यवस्था होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में 80% ऐसे सरकारी कॉलेजेस जिनमें स्थायी प्राचार्य नहीं है, सबको चार्ज मिल रहे हैं, चार्ज मिलने वाले जितने समय के लिए चार्ज मिलता है, फंड आता है, जन भागीदारी का पैसा आता है, खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कटौती हुई छात्रों के सुविधाओं में। अब दूसरी बात अपन बात करते हैं, भिंड जो शहर है, शहर में 90% जितना भी शहरी इलाका है इसमें दुकानें हैं, सब व्यापारियों की हैं। अब शहर में रहने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है शांति का मुद्दा। बिल्कुल, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे बात होनी चाहिए, कोई बात इस पे करता नहीं है। बात करते हैं लोग, अपनी अपनी बात रखते हैं, व्यक्तिगत जमीनी स्तर पे लोग व्यक्तिगत बात करते हैं, लेकिन शिक्षा का जो मुद्दा है इस पे कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके लिए यहाँ का जो छात्र है वो बाहर जाता है। उस छात्र के ऊपर कई प्रकार के आप समझ लीजिए पढ़ाई का जो प्रेशर है, या मान लीजिए जो आय का जो स्रोत है उस छात्र को नहीं मिल पाता है, तो वो वहाँ से अपनी आधी पढ़ाई या छोड़ के घर आ जाता है, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिससे हमारा जो छात्र है
जैसे हमारा जो घर का भाई है वो बाहर जाता है, वो बाहर नहीं जाए, यहाँ पढ़ेगा, तो उसको आर्थिक जो उस मद्दी है उससे जूझते हुए नहीं, वो उस चीज़ के बीच में नहीं आएगी, पैसा बीच में नहीं आएगा और उसको बढ़िया शिक्षा मिलेगी। और आए दिन जो आप देख रहे हो जैसे बच्चे कोटा जा रहे हैं तो उनके साथ आए दिन हादसे हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं बच्चे, तो ये सारी चीजों पे अंकुश लगेगा अगर इस चीज के लिए अगर सोचे सरकार तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।